दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटनाचक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है जीव विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण चैप्टर वर्गीकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग एक, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे UPPCS प्रारंभिक परीक्षा, RO यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी लोअर PCS तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जीव विज्ञान के अंतर्गत वर्गीकी अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं वर्गीकी किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और आप जान लीजिए कि कैरोलस लीनियस ने जीव जातियों के नामकरण के लिए द्विपद नामकरण या बायोनॉमिकल नामिक्लेचर की एक पद्धति बनाई। और दोस्तों, कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। तो आइए प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है और ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कवकों की, पादपों की, कीटों की या जीवाणुओं की? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, कीटों की। दोस्तों, जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों यानी इंसेक्ट्स की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं और कुल ज्ञात जातियों 15 लाख से अधिक में से सर्वाधिक जातियां 10 लाख से भी अधिक कीटों की हैं। जंतु थल, जंतु जल, स्थल और वायु सभी जगह में पाए जाते हैं और पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कैसे? तो सही उत्तर है कंपाउंड खुर्दबीन या कंपाउंड जो लेंस के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो याद रखिएगा, जीवाणु अति सूक्ष्म और साधारण जीव हैं। इनकी लंबाई सामान्यतः 0.5 से 5 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 0.5 मिलीमीटर या अधिक लंबाई के भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड खुर्दबीन यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि ये किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना, कुछ में 4000 गुना बढ़ाकर दिखाता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। कारण है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर देखिए, ए सही लेकिन आर गलत है। दोस्तों, पोषण के आधार पर जीवाणु जो हैं वो परपोषी और स्वपोषित होते हैं। स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड और अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम या क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये जीवित और मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जीवाणुओं के बारे में या बैक्टीरिया के बारे में इनमें से कोई भी कथन आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, जीवाणु या बैक्टीरिया सबसे सरल, अति सूक्ष्म और एक कोश की आद्य जीव हैं, जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं और इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है क्या कहलाता है? तो सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा। दोस्तों, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है।
कथन है कि अमीबा बिमहंजन द्वारा जनन करता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि सभी एक कोष की जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों आप जान लीजिए, अमीबा जो एक प्रोटोजोआ है, ये एक कोष की जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्रायः सभी एक कोष की जीव अलैंगिक विधि के द्वारा जनन क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जीवाणु, कवक और विषाणु, तो उपर्युक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है आपको बताना है। तो सही उत्तर दोस्तों जीवाणु और कवकों को, एक केवल एक और दो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए, कृत्रिम और संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने एस्चेरिचिया कोलार्ड बैक्टीरिया के डीएनए का पुनः लेखन भी किया है। कवक को भी कृत्रिम और संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, जैसे पोटैटो डेक्सट्रोज एगर और सबोराड डेक्सट्रोज एगर। विषाणु में स्वयं की उपाचयी मशीनरी के अभाव के कारण इन्हें कृत्रिम रूप से संवर्धित करना कठिन है। अगला प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं या वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। दोस्तों होमियोथर्मल यानी गर्म रुधिर वाले, जिसको वार्म ब्लडेड कहा जाता है, वे जंतु हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी और स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये आपका सही नहीं है। और आप देखिए, गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है और उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो ए जो है वो आपका सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सम्मित वाले ड्यूट्रोस्ट्रोमी यूसी यूसिलोमेट यूमेटाजोआ होते हैं, जिनकी भिंडक अवस्था में शरीर की सम्मिति द्विपार्श्वी होती है और सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं। इस प्रकार विकल्प ए का कथन सही नहीं है, जबकि अन्य प्रश्नगत कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं, हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ और मछली। तो सही उत्तर है हाइड्रा। दोस्तों हाइड्रा में रक्त नहीं होता, लेकिन उसमें श्वसन यानी गैसों का आदान प्रदान विषरण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, स्टार फिश, साफिश, पाइप फिश या गिटार फिश। तो सही उत्तर स्टार फिश। दोस्तों कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियां नहीं हैं, जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश और क्राई फिश इत्यादि। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मीन या मछली है, रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश या कैटफिश। तो सही उत्तर है कैटफिश। दोस्तों रजत मीन एक छोटा पंखहीन कीट है, क्रेफिश एक बड़े कड़े खोल वाला जानवर है, जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है और ये मछली की श्रेणी में नहीं आता है, कैटफिश वास्तविक मीन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है, स्टार फिश, जेली फिश, हैग फिश या समुद्री घोड़ा। तो सही उत्तर समुद्री घोड़ा। दोस्तों सितारा मछली स्टार फिश सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है, जेली फिश आरिलिया को कहते हैं जो कि संघ सिलेंट्रेट का एक जंतु है, हैग फिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है, इनमें जबड़ों का अभाव होता है और यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा सी हार्स या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, तो सही उत्तर है समुद्री घोड़ा, मछली की श्रेणी में आता है।
अगला प्रश्न है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 0, क्योंकि शार्क मछली में हड्डियां नहीं पाई जाती। शार्क मछली का कंकाल तंत्र उपास्थि का बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? गोल्डन महसीर, देखिए गोल्डन महसीर, इंडियन नाइट जार, स्पून बिल या वाइट आइबिस। तो सही उत्तर गोल्डन महसीर। दोस्तों गोल्डन महसीर पक्षी नहीं बल्कि एक मछली है, इसका वैज्ञानिक नाम टोर पोती तोरा है। अगला प्रश्न आपको बताना है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सही उत्तर है व्हेल, सबसे बड़ा स्तनपायी है जो कि पृथ्वी पर पाया जाता है। इसकी लंबाई 33 मीटर से अधिक और वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। अगला प्रश्न है, व्हेल निम्न वर्गों में किस वर्ग का प्राणी है? मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप या उभयचर। तो व्हेल दोस्तों ये स्तनपायी प्राणी है। अगला प्रश्न है, कौन स्तनपायी है? शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस या व्हेल। तो सही उत्तर है व्हेल स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। अगला प्रश्न है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? फिन बैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल या हम्पबैक व्हेल। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, स्पर्म व्हेल। दोस्तों स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। संपूर्ण पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है एकिडना, कंगारू, सेही या व्हेल। तो सही उत्तर है एकिडना। दोस्तों एकिडना और प्लेप्टिपस एकमात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी अंडे देता है, आपको बताना है? तो सही उत्तर एकिडना, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, उड़ने वाला स्तनपायी है कौन सा? जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन या चमगादड़। तो सही उत्तर चमगादड़, ऑप्शन डी हो जाएगा। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। यह पक्षी वर्ग में नहीं आता, ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित हो गए हैं जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की अंगुलियों और शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है और पंख का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा एक पक्षी वर्ग में नहीं आता? ऑप्शन है चमगादड़, कौवा, चील या तोता। तो सही उत्तर चमगादड़। दोस्तों चमगादड़ जो है ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है, बल्कि ये जो है एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो कि उड़ सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। तो कौन से स्तनधारी हैं? तो सही उत्तर समुद्री गाय और समुद्री सिंह, 1 और 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों समुद्री गाय यानी शिकाऊ एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा या सी हार्स एक प्रकार का कशेरुकी मछली है और समुद्री सिंह या सी लायन भी एक स्तनधारी है। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ऑप्शन है मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में या अस्तनी में। तो सही उत्तर है अस्तनी में। दोस्तों डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे अस्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सिटेसिया में रखा जाता है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है और इनके मादा में चुचुक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप या स्तनपायी। तो सही उत्तर है सील जो है वो स्तनपायी जंतु है। दोस्तों सील या फोका एक मैमेलिया यानी स्तनपायी जंतु है जो गढ़ कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त और शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इसमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं और तैरने के लिए इनमें चिंपू, चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया बताता है क्या?
तो सही उत्तर है एम्फीबिया, जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं या जंतुओं के बारे में बताता है। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेंढक और टोड इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? आपको बताना है तो मछली, कबूतर, मेंढक और तिलचट्टा। तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा मेंढक। दोस्तों मेंढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन दोनों जगह रह सकता है। यह शीत रक्त का प्राणी है जो वातावरण के अनुसार अपने शरीर का तापमान घटाते बढ़ाते रहते हैं। मेंढक की त्वचा उच्च पारगम्य होती है जिससे होकर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है। इस अद्वितीय विशेषता के कारण मेंढक अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। स्थल पर एक वयस्क मेंढक अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। अगला प्रश्न है, मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, सही है, गलत है या इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है सही है। दोस्तों मेंढक एक कोल्ड ब्लड एनिमल है, आप जान लीजिए। और अन्य कोल्ड ब्लड वाले अन्य जंतुओं में सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट और छिपकली इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, मेंढक के कायांतरण में क्या होता है? तो सही उत्तर है, मेंढक के कायांतरण में आंत छोटी हो जाती है। दोस्तों अधिकतर टैडपोल मुख्यतः शाकाहारी होते हैं और वे मुख्यतः शैवाल और जलीय पौधों का भक्षण करते हैं, लेकिन जब टैडपोल विकसित होकर वयस्क मेंढक बन जाते हैं तो उनकी आंतें छोटी हो जाती हैं जो मांसाहारी भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। अगला प्रश्न है, गेवेयलिस या घड़ियाल बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, गंगा में, गोदावरी में, कृष्णा में या कावेरी में? तो सही उत्तर है, गेवियलिस या घड़ियाल गंगा में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बांग्लादेश, भारत और नेपाल में ये अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नृशंस प्राणी कौन सा है? पेंगुइन, वेल, ऑटर या कछुआ? तो सही उत्तर है ऑटर। दोस्तों ऊदबिलाव या ऑटर एक नृशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु है। वेल का शरीर धारा रेखित होता है और इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा ब्लबर शरीर में ताप रोधक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए, जाहक या हेजहॉग, शैल, मूषक या मारमाट और वज्रसल्क या पेंगोलिन। तो इनमें से कौन से जीव पर भक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा हेजहॉग और वज्रसल्क यानी पेंगोलिन। दोस्तों आप जान लीजिए, जाहक यानी हेजहॉग छोटे स्तनधारी कशेरुकी होते हैं। जब ये डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा के लिए स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं जिससे इनकी त्वचा पर बने सल्क कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाएं और ये अपनी रक्षा कर सके। पेंगोलिन भी अपनी सुरक्षा अपने शरीर पर बने शल्कों के माध्यम से करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्वान जातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? डिंगो, एलसेशियन, डालमेशियन या लेब्राडोर? तो सही उत्तर है डिंगो। डिंगो और दोस्तों बसेंजी स्वान की वे उपजातियां हैं जो सामान्य कुत्तों की तरह न भौंककर एक तरह के आलाप की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है क्या? रिक्ष, सूर्य भालू, भूरा भालू या बिलार भालू? तो सही उत्तर रिक्ष होता है। गलियों में तमाशा दिखाने वाला भालू रिक्ष होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया जा सकता है, सिखाया गया है? वन मानुष या चिंपैंजी, तोता, कुत्ता, सूस या डॉल्फिन? तो सही उत्तर है कुत्ता। दोस्तों वन मानुष, तोता और डॉल्फिन ही ऐसे जीव हैं जिन्हें कुत्ते की तुलना में कहीं अधिक भाषा का प्रयोग यानी संकेतों को समझना और परस्पर प्रेषित करना सिखाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? ऑप्शन है, जानने की इच्छा प्रकट करना, घ्राण शक्ति का अल्प विकसित होना, विपरीत अंगूठे और ठोड़ी का बाहर निकलना। तो सही उत्तर हो जाएगा जानने की इच्छा प्रकट करना। मानव जो है बुद्धि में सर्वोच्च है, आप जानते भी हैं
दोस्तों मानव जो है वो बुद्धि में सर्वोच्च होता है। सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्कसंगत तथा अक्षरबद्ध वाणी और भौतिक मुद्राओं के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि क्षमताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपि नहीं है? गिबन, गोरिल्ला, लंगूर और ओरंग उटान। तो सही उत्तर है लंगूर। दोस्तों कपि प्राणी जगत में होमोनोइडिया महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं हैं, हीन कपि यानी छोटे लघुतम आकार के कपि होते हैं जैसे गिब्बन, और महाकपि बड़े आकार के वन मानवनुमा कपि होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंग उटान। लंगूर कपि वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव सदृश लघुतम कपि है? गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंग उटान। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गिबन। अगला प्रश्न है, पांडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू, बिल्ली, कुत्ता या खरगोश। तो सही उत्तर है भालू। दोस्तों भालू के कुल यानी ओर्सिडाई के अंतर्गत ही पांडा भी एक प्रजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जंतुओं में किसमें एक तीन प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? आपको बताना है, बंदर, मगर, मछली और मेंढक। तो सही उत्तर है मेंढक। दोस्तों मेंढक उभयचर होते हैं, इसके अलावा सांप और छिपकली। मेंढक, सांप और छिपकली में तीन प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, मछली में दो प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, जबकि बंदर और मगर के हृदय में चार प्रकोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है किसमें? तो उत्तर है उभयचर या एम्फीबिया जंतुओं में दोस्तों त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय नहीं होता? ऊंट, जिराफ, चूहा और मछली। तो अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय होते हैं, लेकिन घोड़ा, चूहा, ऊंट। देखिए ऊंट और चूहा, घोड़ा, चूहा, ऊंट इत्यादि इसके अपवाद हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन, यहाँ पर सिंगल ऑप्शन सही नहीं होगा। अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होते हैं, लेकिन घोड़ा, चूहा, ऊंट आदि इसके अपवाद हैं। बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय नहीं होते हैं। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? हिरण, गीदड़, जेबरा और घोड़ा। तो सही उत्तर है गीदड़ में। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्यतः गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस आरियस होता है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं, इसमें खुर नहीं पाए जाते। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जीव विज्ञान के अंतर्गत वर्गीकी अध्याय या वर्गीकरण विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा ताकि यदि ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएँ तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।